नमस्कार, मैं हूं अखिल कुमार। लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं बीजिंग के योद्धा। सबसे पहले जी एस संधू द्रोणाचार्यवाड़ी, आपका स्वागत है लाइव इंडिया पर। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, पहली बार बॉक्सिंग में मेडल लिया इन्होंने, विजेंद्र सिंह। और मेरे फेवरेट जीतू, जितेंद्र कुमार। और साथ में है दिनेश कुमार दादा। भाई साहब आप संभालो। चलिए अभी वो लोगों को डरने की जरूरत है, सुशांत जो सोच रहे होंगे कि बॉक्सिंग छोड़कर कहीं ये एंकरिंग न करने लगे। संधू साहब को सबसे ज्यादा मेरे को तो डर लग रहा है कि अगले नेशनल कैंप में मेरे को बॉक्सर अलग अलग चैनल्स के स्टूडियो में जरा ढूंढने होंगे। अच्छा मैं और इसलिए आज के बाद मेरे को लगता है मैं इनको पटियाले लेके चला जाता हूँ। संधू साहब, सुशांत और प्रवीण को लोग अक्सर देखते रहते हैं और आपने भी शायद टेलीविजन पे देखा होगा, लेकिन आज अखिल को आपने पहली बार एंकरिंग करते देखा, कैसा लगा? इट वाज फैंटास्टिक। लेकिन बॉक्सर ऐसा करते नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे को ये, मैं ये नहीं चाहता कि ये इसमें चले जाए। पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको अखिल की एंकरिंग कैसी लगी? विजेंदर, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं, उम्मीद कर रहे हैं अगले ओलंपिक में वो गोल्ड जीतेंगे, और यही वादा कर रहे हैं हमसे अखिल, दिनेश और जितेंद्र भी। और बातचीत को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक सरप्राइज की बात हो रही थी, और बात सरप्राइज की जब हो रही है तो मुझे लगता है आपके लिए वो कितना सरप्राइज होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन दर्शकों के लिए वो सरप्राइज होगा जब वो देखेंगे विजेंद्र के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स जो अभी तक सेंसर्ड बोले नहीं, वैसे फोटोग्राफ्स नहीं, आपका ब्रांड बेपाशा के साथ फोटोग्राफ्स नहीं है, वो घर के लोगों के साथ ही फोटोग्राफ्स है, लेकिन वो फोटोग्राफ्स अब तक सिर्फ घर के लोगों ने देखे थे। लेकिन जितने सीरियस विजेंद्र नजर आते हैं उतने सीरियस ये दरअसल लाइफ में है नहीं, कुछ और रंग भी है इनके, उस रंग पर हम नजर डालते हैं। ये अपना फेवरेट सॉन्ग या इदिन ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ये थी यादें, वो खूबसूरत यादें जो अभी पुराने दिन याद आ रहे होंगे। बीजिंग से एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ विजेंद्र आए हैं, लेकिन पुरानी बातों को जब याद करते हैं, पुरानी तस्वीरों को अब देखते हैं, किस तरह के ख्यालात आते हैं, ये और ज़्यादा मजबूत लगती है कामयाबी? जी हाँ, इससे जो भी उपलब्धि मैंने हासिल की है इससे मैं काफ़ी खुश हूँ अभी, और जो पुरानी यादें हैं, लेकिन मैं हमेशा जब छोटा था तो मैं सपने बहुत देखता हूँ मैं भी, और हमेशा यादों में रहता मैं, हाँ नेक्स्ट में आने वाला क्या होगा क्या हुआ। तो मैंने एक ओलंपिक मेडल का सपना भी देखा था कि हाँ मैं ओलंपिक मेडल लूँगा, तो बचपन से ही देखता रहा मैं सपने को, और आज मैंने वो अभी उस सपने को पूरा कर लिया, तो एक जो कहते हैं अंदर से फीलिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत खुशी होती है, तो वो खुशी हुई मेरे को। ये नचाते हैं जो अपोजिट होते हैं इनके बॉक्सर, अपोनेंट होते हैं, और खुद भी कई बार नाचते दिखाई देते हैं, लेकिन वैसे भी आप डांस वांस करते हैं? नहीं, डांस इतना नहीं करता मैं ज्यादा। कितना करते हैं? ट्रेनिंग में बॉक्सिंग के अंदर जो डांस है वो बहुत जरूरी है। अभी यहाँ से कोई पार्टनर बुलाए तो डांस करेंगे? नहीं जितेंद्र, देखिए आज खास मौका है और आपके आपकी इस जीत को हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो ये होना चाहिए। और चूंकि हम प्रवीण बार बार बिपाशा की बात कर रहे हैं, तो एक बिपाशा का गाना बजा लेते हैं और उस पर जितेंद्र नाचेंगे तो बहुत मजा आएगा मेरे ख्याल से। बिपाशा और जितेंद्र और विजेंद्र जो है वो देखेंगे बिपाशा को भी और जितेंद्र को भी देखेंगे विजेंद्र, अगर ये बिपाशा के गाने पर नाचेंगे। जी हाँ जरूर, सूट करेगा वो गाना इनका। चलिए पेश किया जाए भाई, हम गाना बजाते हैं और जितेंद्र आप आ जाए। अच्छा किसी को आएगा, कोई सपोर्ट करेगा? अरे भाई कोई लड़कियों में से आ जाएगा। अभी आपको यहाँ कोई बिपाशा जैसी दिख रही? चलिए चलिए हम गाना 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 गाने के साथ गाना पेश किया जाए भाई। आइए जितेंद्र। हो जा पड़ोसी के चूल्हे से लाद लेंगे,
अभी ये गाना आपको पसंद है, बीड़ी जलाई ले बिपाशा का? ये बात इतना बिपाशा के बोलने की वजह से बढ़ गई है, वाकई बहुत पसंद करते हैं आप बिपाशा को? मैंने बताया ना, मैं सभी हीरोइनों को पसंद करता हूँ, ये वैसे ही हो रखा, बस ठीक है। कोई खास नहीं, अगर कोई किसी दूसरी हीरोइन का फोन भी आता, कैटरीना कैफ का आता, तो भी इतनी खुशी होती? जी हाँ, सभी हीरोइन की मेरे खुशी थी, बिकॉज काफी बधाई संदेश मेरे को बहुत लड़कियों के आए थे। अच्छा संधू साहब, आपको मॉडलिंग का डर है, इसका डर है, उसका डर है, ये हीरोइंस का कभी डर नहीं होता? इसका चस्का लग गया, इनसे दोस्ती का चस्का लग गया? मैंने आपको एक बार स्टार्ट में बोली थी कि ऐसे बच्चों पे माँ बाप को मान होता है और ऐसे खिलाड़ियों पे कोच को मान होता है। मेरे को बिल्कुल कोई गम नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कभी इनकी देख रेख बाहर भी नहीं की है, बिल्कुल फ्री रहते हैं, आज़ाद हैं ये। मेरे को इतना विश्वास है कि ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, और जितना ज्यादा इनको पकड़ के रखूंगा उतना गलत काम करेंगे। अच्छा एक बात भैया, मैं भी कहना चाहूंगा, अभी आपने बोला कि कैटरीना कैटरीना के फैन इधर बैठे हैं। अच्छा लेकिन जितने लोगों के ये फैन हैं, सबके जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो बड़े बॉडी बिल्डर हैं, जॉन इब्राहिम बिपाशा के हैं, सलमान जो है वो कैटरीना के हैं, तो आप अपने साथ कम नहीं है क्या दादा? और मनिका के साथ हमेशा राहुल बहुत दिखाई देते हैं मुझे लगता है, इसलिए जीते। अच्छा मलिका का फोन आ गया होता तो क्या करते आप? कलाबाजी लगाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि फोन अब आ रहा है आप लोगों के पास, पहले नहीं आता? हाँ, वही जैसे उन्होंने कहा था, जब वो सक्सेस हो गया उसके बाद आया, उससे पहले किसी का फोन नहीं आया। जी, और ये कितना इंस्पायर करता है आने वाले दिनों के लिए? जाने से पहले हमें जिसने हमें बधाई संदेश दिए, हम उनकी कदर करना चाहेंगे, न कि जो सक्सेस के बाद जो हमसे मिले हैं उसके बजाय।